हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कल हमारा एग्ज़ाम है और हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, गेस पेपर बता दो। अपनी विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं ये पेपर बनाया हूँ, तो जो मैं ये क्वेश्चन लिख रखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? तो यूनिट फेस्ट से अपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो यूनिट फेस्ट में आपका यहाँ पे ये एक बात और बता देता हूँ, तो आपका जो सिलेबस है उसी से मैंने लिए हैं ये टॉपिक्स। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। तो क्या होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, उसको पूरी डिटेल से बताना है। ये 100% आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े तो वो सारे के सारे ये क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम के अंदर। के बाद में अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा? टेनबो शुगनो डायग्राम, और किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप बात कर लो, सभी में ये क्वेश्चन है जो आने की संभावना रहती है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से जो अपनी फेस्ट यूनिट से आता है वो ये है कि व्हाट आर ऑर्गेल डायग्राम, क्या होता है ऑर्गेल डायग्राम, और आपको ड्रा करना है इसको, ठीक है? और किसके लिए ये करना? ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड है उनके लिए, और D1 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 100% आएंगे, तो मेरे को बता देना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं, ठीक है? अब मैं अगली यूनिट की बात करता हूँ मैं, ठीक है? तो अपन बात करते हैं अपनी यूनिट सेकेंड के अंदर। तो ये छोटी सी यूनिट है, इससे पहले दो क्वेश्चन और रह गए, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो दो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेशन ऑफ 10 DQ एंड बी एंड बिटा, ठीक है? और सिलेक्शन रूल समझाना है, और इसके लिए एक छोटा सा नोट्स बता देना है, इसका छोटा सा बता देना तो हो जाएगा काम अपना, ठीक है ना? एकदम इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड के अंदर की। सर मैं सेकंड यूनिट के अंदर कौन से करूँ, तो ये करके चले जाना, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉस ओवर, ये पूछते हैं हर बार छोटे वाले क्वेश्चन के अंदर, ये पूछ लेंगे आपको। उसके बाद में एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो बताना आपको। उसके बाद में अपनी बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड के अंदर आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछते हैं और आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, जो अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स, तो आपको बताने कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो क्या होते हैं, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी बता देना है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे देखिए, वाई कार्बोनिल आर फॉर्मेड बाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, क्यों बनाते हैं ये मेटल ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, तो उनके बारे में बताने हैं केवल ओनली। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स, क्या होते हैं मेटल कार्बोनिल्स, उसको एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर उसकी समझानी है, इनकी बॉन्डिंग को समझाना है, और साथ में इनके एग्जाम्पल देना है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे 10 नंबर में भी पूछने की संभावना रहती है, 10 या 5 नंबर जो भी आपके यहाँ पे। उसके बाद में राइट प्रिपरेशन मेटल नाइट्रोसिल्स, उसके बारे में यहाँ पे एक प्रिपरेशन बता देनी है, ठीक है? अब चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज की ओर। अपने यहाँ पे और क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊँ, ये है अपने यहाँ पे और क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। मेटल कार्बोनिल्स हो गया, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग समझानी है, रिएक्शन बाई डाई नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों के लिए देख के जाना आपको एग्जाम में, दोनों के लिए, ठीक है? अब बोलोगे सर अपन चौथी यूनिट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन अच्छा नंबर हो जाए, तो आपको करना है यहाँ पे कार्बोबोरेन, मेटेलोबोरेन, मेटेलोकार्बोन्स और हाइयरबोरेन्स। यहाँ पे ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में, इतनी 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में। अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जाएगी एग्ज़ाम, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है उनकी, 5वीं यूनिट के अंदर क्या मैं कौन कौन से जो क्वेश्चन पढ़ के जाऊँ कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इसमें ये करना है, पहला टॉपिक लीनियरली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसके बारे में बता देना है। फिर ORD एंड कोटन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना कल के एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद में फेराडे एंड केयर इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कौन से पढ़ के जाएँ, मैं लॉन्ग की बात कर लेता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको करके जाने हैं फ्रेंड्स वो ये करके जाने हैं, कौन कौन से लॉन्ग करके जाने हैं, अप्लीकेशंस ऑफ ORD, यानी इनमें जो ORD एंड CD है इसकी अप्लीकेशंस बतानी है,
और क्या बतानी है, डिटरमाइन इसके परिभाषित करनी है, किसको करनी है, एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उनको बताओ अच्छी तरीके से। उसके बाद में आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन पोलरिटी ऑफ क्लेटिफिक, इसको बताओ अच्छी तरीके से। फिर असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसको बताओ। इनके बारे में आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये अपने लिए आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। फ्रेंड्स आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हो, सभी सेमेस्टर के अपने पास नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स, तो अपने जो नंबर है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ नंबर कौन से हैं। इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है, 90 57 70 15 45, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से करके जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।